मंत्री राकेश सचान ने खुद को किया सरेंडर। वहीं सुनवाई के बाद दोषी करार हुए राकेश सचान। आपको बता दें कि उन्हें एक साल का साधारण कारावास और 1500 रुपए जुर्माना लगा है। आपको बता दें कि मंत्री राकेश सचान को सजा के साथ 50,000 के बेल बॉन्ड पर भी जमानत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। न्यायालय में मैं जा रहा हूँ और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा वो मान लूंगा। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, आप लोगों ने नोटिस दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने नोटिस दिया कि मैं भागा हुआ हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई नोटिस दिन मिला है ना हमें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आप हमें फरार घोषित कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ कोर्ट जा रहा हूँ। देखिए, तहरीर जो दी गई है वो जांच का विषय है, वो जांच करें, क्योंकि पूरी कचहरी में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कागज ले गया, कौन फाइल। देखिए, जो बेबुनियाद खबरें चली हैं ये सब तो राजनीतिक साजिश हैं। जो भी खबरें चलाई गई हैं आप लोगों के द्वारा भी बिना मतलब की खबरें चलाई गई कि गिट्टी चोर और इस तरह के जो आरोप लगाए गए और जिन लोगों ने लगाए उनके ऊपर भी तो आरोप लगे हैं, तो उनको समझना चाहिए ये सही तथ्य क्या है। सर, क्या ऐसा कोई मामला चल रहा है गिट्टी चोरी का? आज तक मेरे ऊपर कभी कोई FIR चोरी की इस तरह की नहीं हुई है। जो भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं विद्यार्थी राजनीतिक के दौरान उनके छात्र संघ के उनके हितों के संघर्ष में मेरे ऊपर जो भी मुकदमे वो मुकदमे दायर हुए हैं और वो ही मुकदमे लंबित हैं। उसी में 91 में ये मुकदमा मेरे ऊपर हुआ था, ये भी बेबुनियाद था। लाइसेंसी असलाह था, राइफल थी, आज भी मेरे पास है वो, मेरे नाना के नाम थी, वो गाड़ी में थे, लेकिन पुलिस इसमें वादी पुलिस थी, गवाही पुलिस ने दी। ये कोई भी सिंगल आदमी हमारे इस केस में बाहर का नहीं है, सब पुलिस केस था और बनाया हुआ था। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री जो VP सिंह